हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। तो हमारा आज का टॉपिक है आइडियोलॉजी से रिलेटेड। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। आइडियोलॉजी का बैकग्राउंड जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है, जब फ्रेंच फिलोसोफर ऑटनी डिस्टल डिट्रेसी ने सबसे पहले आइडियोलॉजी का वर्ड यूज़ किया, विच मीन्स द साइंस ऑफ आइडियाज़, जिसमें हम ओरिजिन्स, एवोल्यूशंस एंड द नेचर ऑफ आइडियाज़ को उन्होंने डिफाइन किया कि ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स जो फिलोसोफर थे, उन्होंने इसको डिफाइन किया द आइडियाज ऑफ द रूलिंग जनता हु सीक्स टू परपेचुएट द प्रिवेलिंग ऑर्डर ऑफ कैपिटलिज्म एंड देयर ऑन प्रिविलेज्ड पोजिशन। उन्होंने आइडियोलॉजी को एसोसिएट किया द प्रिविलेज्ड और द रूलिंग जनता से। सेकेंड वन सब हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास डेफिनेशन इसकी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज सिस्टम ऑफ बिलीव्स दैट एक्सप्लेन्स एंड जस्टिफाइड अ प्रेफर्ड पॉलिटिकल ऑर्डर आइदर एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड एंड ऑफर्स अ स्ट्रैटेजी फॉर इट्स अटेनमेंट। ये हमारे पास जो पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, जो एग्जिस्टिंग होता है या हमारे पास जो आगे प्रपोज किया जाता है, उसकी अटेनमेंट के लिए जो हम एक आइडियोलॉजी बनाते हैं, जो हम उसका मैप बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एंड द सेकेंड वन पॉइंट इज़ एन आइडियोलॉजी ऑफर्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड अ विजन ऑफ फ्यूचर। तो आइडियोलॉजी में कौन कौन से हमारे पास चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले हम पास्ट को इंटरप्रेट करते हैं, दैट व्हाट मिस्टेक्स वी हैव डन और पास्ट में हम क्या क्या कर चुके हैं, तो ये चीज़ें हम उसमें देखते हैं। सेकंड वन इज़ इसमें प्रेजेंट की जो है एक्सप्लेनेशन होती है कि प्रेजेंट में हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बेटर की हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बेटर कर सकते हैं, और इसमें विजन ऑफ द फ्यूचर को भी देखा जाता है। ज़ाहिर है आप जब कोई चीज़ सेट करते हैं, जब कोई गोल सेट करते हैं, तो उसके लिए आप अपने पास्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद अपने प्रेजेंट में हार्ड वर्क करते हैं, और फिर आप अपनी फ्यूचर को देखते हैं कि इसमें आप फ्यूचर में इससे क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं। सो फर्दरमोर इमर्जेंस ऑफ द आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी इमर्ज कब होती है, आइडियोलॉजी की नीड हमें कब होती है। तो आइडियोलॉजी बेसिकली क्राइसिस एंड सोशल स्ट्रेस के टाइम में हमें मिलती है, जब एक स्पेसिफिक ग्रुप का माइंड सेट, उनका जो आइडियाज़ है, जब वो प्रपोज करते हैं और उसमें सारे लोग उनके साथ आके मिल जाते हैं, तब एक आइडियोलॉजी क्रिएट होती है। सो एन आइडियोलॉजी इमर्जेस व्हेन पीपल फील स्ट्रांगली दैट दे आर बीइंग मिसट्रीटेड अंडर एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर, व्हेन देयर स्टेटस इज थ्रेटन्ड बाय फंडामेंटल चेंजेस अकरिंग इन द सोशल एंड व्हेन द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी नो लॉन्गर सेटिस्फाई देम। जब प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है और उनको लगता है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटन्ड है, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी कल्चर को खतरा है, तब वो अपनी एक अलग से, अपनी एक सेपरेट आइडियाज़, अपने एक सेपरेट व्यूज़ लेकर आते हैं और एक अलग से एक पूरा आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं। सो द थर्ड वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम आइडियोलॉजी की एक्चुअली हमारी जो लाइफ है जब वो क्रिएट हो जाती है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। आइडियोलॉजी इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर अ नेशन विच ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड होमोजेनिटी टू इट्स नेशनहुड। तो आइडियोलॉजी सबसे पहले तो वो जो लोगों को मोटिवेट करती है, जब आइडियोलॉजी आप लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये देखना पड़ता है कि वो लोगों के माइंड पे या लोगों की थिंकिंग के साथ कितना मिलती है या उस पर कितना असर करेगी। साथ में लोगों को एक दूसरे को मिलाने के लिए, उनकी सोच को जानने के लिए, जब उनकी सोच एक जैसी होगी, वो एक पॉइंट पे एग्रीड होंगे, तब जाके उनमें होमोजेनिटी आएगी। द सेकेंड वन पॉइंट इज़ इट वर्क्स एज अ सीमेंट बाइंडिंग बेस टू शैटर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। जब एक सोसाइटी में एक ही पॉइंट पे डिफरेंट शैटर ग्रुप्स हों और उनको साथ में मिलाने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए एक यूनिक आइडियोलॉजी लाई जाती है, ताकि वो सारे सेगमेंट्स आके एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने पॉइंट को
आगे पहुंचा सकें। द थर्ड वन पॉइंट इज आइडियोलॉजी लीड्स टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ गोल। आइडियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट होती है? हमने जो गोल सेट किया होता है उसको पाने के लिए, उसको अकम्पलिश करने के लिए भी हमें आइडियोलॉजी की ज़रूरत होती है। द लास्ट वन पॉइंट इट गिव्स बर्थ टू द न्यू कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन। सो लास्टली इसमें न्यू कल्चर्स आते हैं, न्यू सिविलाइजेशंस आती हैं जब आइडियोलॉजी में आपके साथ आपके पॉइंट पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के लोग आके आपके साथ मिलते हैं, आपके पॉइंट पे एग्री करते हैं, तो उसमें कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस भी मिक्स हो जाते हैं और एक न्यू कल्चर एंड न्यू सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन जो है वो वजूद में आती है।